पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद एक शादी समारोह में पहुंचे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा का निर्यातकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले हॉलिडे रिजेंसी में अजय टम्टा का मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। हॉलिडे में वार्ता के बाद ईपीसीएच ऑफिस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्यातकों के द्वारा अपनी समस्याएं केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष रखी गयी। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर दो खेमों में बटे निर्यातकों की लड़ाई आज मंच तक आ पहुंची। एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल को मंच पर स्थान न देने पर निर्यातकों में रोष नजर आया। गुस्से का इजहार करते हुए कोहिनूर फर्म के स्वामी हाजी इफ्तखार अली ने मंत्री महोदय से ही शिकायत भरी मांग की और सचिव अवधेश अग्रवाल को मंच पर स्थान देने की बात कही। कि हमारे नव निर्वाचित सेक्रेटरी साहब को मंच पर जगह दी जाए। स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम ये सब देख संचालन कर रहे सतपाल सिंह को शर्मिंदगी भी महसूस हुई, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। निर्यातकों और मंत्री की दखल अंदाजी के बाद अवधेश अग्रवाल को मंच पर स्थान दिया गया, जिसके बाद बैठक को सुचारू रूप से शुरू किया गया। संचालन करते हुए सतपाल सिंह ने सर्वप्रथम स्वागत कराया। स्वागत के बाद निर्यातकों की अहम समस्याएं मंत्री महोदय के समक्ष रखी गयी, तो वही संचालन कर रहे सतपाल सिंह के द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों से मंत्री महोदय का स्वागत न कराते हुए अपने खेमे के निर्यातकों से स्वागत कराया गया, जिस पर निर्यातकों ने दबी आवाज में बस यही कहा कि यदि अन्य लोगों से भी स्वागत करा दिया होता तो सतपाल सिंह का सम्मान बढ़ जाता। इस दौरान कहा गया कि छोटे निर्यातकों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी के अलावा अन्य नए नियमों ने निर्यातकों के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसी के साथ विभिन्न मांगे रखी गईं, जिसमें कहा गया कि मुरादाबाद में आर्टिजन पार्क बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा जमीन मुहैया करा दी गई है, लेकिन अब उसे विकसित करने के लिए सरकार की मदद जरूरी है। सतपाल सिंह ने कहा कि लाइसेंस के लिए एनओसी नहीं मिल पाती, इसका कोई समाधान निकाला जाए। तो वही मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल ने भी निर्यातकों की समस्याएं अजय टम्टा के सामने रखी। समस्याएं रखते हुए कहा कि निर्यातकों के माल पर जीएसटी 18% लगाया जाता है, उसे कम करते हुए 5% जीएसटी लगाया जाए, जिससे कि निर्यातकों को बढ़ावा मिल सके। मुरादाबाद सोर्सिंग हब को शुरू कराने की मांग की गई। सभी की बातें सुनते हुए जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अधिकतर समस्याएं बहुत छोटी हैं और अलग अलग विभागों की हैं, इसीलिए सभी को अलग करते हुए एक डाटा तैयार करो और समय लेकर दिल्ली आकर मिलो, जिसके बाद समाधान अवश्य मिलेगा। अंत में लघु उद्योग भारती के सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा को सौंपा गया। नीरज खन्ना जी का, नवेश को रहमान जी का, हमारे अनूप जी का और अवधेश अग्रवाल जी का, हमारे ईपीसीएच के भारतीय प्रधान और मंच पर उपस्थित और सामने बैठे हुए हमारे सभी भाइयों का बहुत बहुत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।